हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे ताजी हरी मटर से एकदम खस्ता कचौरी। तो ना ही आटे से बनाएंगे और ना ही मैदे से। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो ये हमने एक कप मटर ली है, तो ये ताजी हरी मटर है। तो ये हमने साफ करके धो के अच्छी तरह से ले ली है। उसके बाद हम ये चॉपर ले लेंगे और ये चॉपर में डाल लेंगे। तो हल्का सा मोटा मोटा ही क्रश करेंगे इसको, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। आप चाहें तो मिक्सी में कर सकते हैं, थोड़ा रोक रोक के मिक्सी को चलाइए और मोटा दरदरा सा ही इसको करिए। तो इसको ये आप देखिए, तो हमने चॉपर में करके इसे मोटा मोटा दरदरा पीस लिया है। तो उसके बाद चलेंगे गैस की तरफ। तो ये हमने एक पैन रख दिया है गैस में। अब तो पैन गर्म हो गया है, तो इसमें हम 2 छोटी चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे, उसके बाद थोड़ा सा हींग डाल लेंगे इसमें और थोड़ा सा जीरा डाल लेंगे, आधी छोटी चम्मच धनिया डाल लेंगे, साबुत धनिया, और आधी चम्मच राई डाल लेंगे। तो इसको थोड़ा सा चटकने देंगे, हल्का सा भून लेंगे इसको। गैस को हम मीडियम पे ही रखेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे, तो ये 2 हरी मिर्ची हमने बारीक काट ली थी उसको डाल देते हैं। और उसके बाद 1 टुकड़ा अदरक का हमने ग्रेट कर लिया था, उसे भी डाल देंगे। तो इसको हल्का सा भून लेंगे। तो ये आप देखिए, ये हल्का सा भून गया है। उसके बाद जो ये हम 2 चम्मच बेसन डाल रहे हैं, तो बेसन से क्या है कि जो हमारी मटर है उसमें अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी। तो इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, हल्की सी खुशबू आने लग जाए तो तभी हम आगे का काम करेंगे। तो इसे बेसन को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, तो बेसन हमारा अच्छा भून गया है। उसके बाद जो मटर हमने वो करी थी, ग्राइंड करी थी, वो हम इसमें डाल देंगे। और ये मटर को थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही भून लेंगे, एकदम ज़्यादा भी नहीं भूनेंगे, तो हल्का ही 1-1.5 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेते हैं पहले, और अच्छी तरह से मिक्स भी कर लेंगे। तो उसके बाद इसमें थोड़ा सा मसाले ऐड कर लेते हैं। तो नमक डाल लेंगे, स्वाद के अनुसार ही डाल लेंगे, और लाल मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं हम 1/2 चम्मच। तो मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल लेंगे ताकि ये जो मसाला है इसका अच्छा कलर आए, और थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डाल लेंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो 1-1.5 मिनट के लिए हम मसाले डालने के बाद भी इसको भून लेंगे। तो ऐसे करके ये आप देखिए, तो मसाले का बिल्कुल कलर ही चेंज हो गया है जो स्टफिंग है हमारी। तो इसको गैस को बंद कर देंगे और उसे ठंडा करने रख देंगे। तो ये हमने फिर से पैन रख दिया है, और 2 कप पानी हम इसमें डाल देंगे, और 1 चम्मच हम रिफाइंड डाल रहे हैं इसमें, और थोड़ा सा नमक डाल लेंगे क्योंकि नमक हमने उसमें भी डाल रखा है मटर में, तो थोड़ा सा कम ही डालेंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे और गैस को हाई करके इसे उबलने देंगे। तो ये उबल गया है। उसके बाद 1 कप सूजी हम ले रहे हैं, तो सूजी डाल देंगे। ये बारीक वाली सूजी है, आपके पास बारीक ना हो तो आप ग्राइंड करके इसे बारीक कर सकते हैं, और फिर इसे ऐसे करके मिक्स कर लेंगे। तो फटाफट से मिक्स कर लेंगे, कोई भी लम्स ना रहे इसमें। तो एकदम से ये 1 मिनट में ही डो बन के तैयार हो जाएगा। गैस को मीडियम पे ही रखा है हमने, और ये डो बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे, हिला लेते हैं थोड़ा सा, और फिर इसे ठंडा, तो हल्का सा ठंडा होने देंगे ताकि हाथ लगाने लायक हो जाएगी। तो ये हल्का सा ठंडा हो गया है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि ये एकदम सॉफ्ट सा डो बन जाए। तो जैसे हम आटे का डो बनाते हैं, सेम वैसे ही थोड़ा सा मसल लेंगे। और ये आप देखिए, एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो उसके बाद इसमें से लोई तोड़ लेते हैं। तो
ज़्यादा बड़ी भी नहीं तोड़ेंगे, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे भी कचौरी आपको पसंद हो वैसे आप बना सकते हैं, जितनी बड़ी या छोटी। तो इसको ऐसे कर लेंगे, एकदम आसानी से ये ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद जो हमने मसाला बनाया है उसका, मटर का, वो हम इसमें डाल लेंगे। तो 2 चम्मच मसाला हम इसमें डाल रहे हैं, और इसको थोड़ा सा दबा के इकट्ठा करके और इसे बंद कर लेंगे। तो एकदम से आसानी से बंद हो जाएगा, बिल्कुल हल्के हाथ से ही करेंगे, क्योंकि ये सूजी है तो एकदम से फटने का भी डर रहता है। तो ये आसानी से बंद करके और इसको कोल कर लेते हैं। तो ये आप देखिए, तो ऐसे ही करके सारी बना लेते हैं। तो ये हमने सारी बना के तैयार कर दी है। इधर हमने कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया था, तो तेल अच्छा तेज गरम हो गया है। तो अब हम इसे डाल लेते हैं। वैसे भी सूजी हमारी पहले ही पक रखी है, तो हल्का हल्का इसके ऊपर तेल डालते रहेंगे ताकि ये ऊपर से भी पकती रहे। और इसे पलट लेते हैं। तो देखिए आप, हल्का हल्का सा कलर इसमें आने लग गया है। तो ऐसे ही उलट पलट करके अच्छी तरह से सेक लेंगे इसको। तो 2-4 बार आप अच्छी तरह से इसे उलट पलट कर सेक लें। ये आप देखिए कितना अच्छा कलर इसमें आने लग गया है। तो ऐसे ही जितनी भी हमारे पास बची हुई है वो भी हम ऐसे ही बना लेंगे। और इसे थोड़ा सा साइड में रोक लेंगे और फिर इसे निकाल लेते हैं। तो तेल को थोड़ा तेज गर्म ही रखें, नहीं तो जो कचौरी है वो फटने का डर रहता है। तो ये हमने बना के सारी तैयार कर दी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कचौरी कैसी लगी। तो ये आप देखिए, हम आपको तोड़ के दिखा देते हैं। तो एकदम से बाहर से एकदम करारी सी हो रखी है, और कितनी टेस्टी लग रही है देख।